विकासखंड नारकंडा के तहत सभी 28 पंचायतों के प्रधानों व उपप्रधानों का शपथ समारोह नारकंडा के समिति हॉल में आयोजित हुआ। प्रधानों व उपप्रधानों को शपथ एसडीएम कुमार सेन गुंजीत सिंह चीमा द्वारा दिलाई गई। इस मौके पर एसडीएम कुमार सेन गुंजीत सिंह चीमा ने सभी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। एसडीएम कुमार सेन ने सभी प्रधान व उपप्रधानों को बिना भेदभाव ईमानदारी से पंचायतों का विकास करने को प्रेरित किया। उन्होंने कहा, पंचायतों का विकास करने में प्रधानों व उपप्रधानों का अहम रोल रहता है। हो चुके आज आपके द्वारा सभी पंचायत के प्रधानों और उपप्रधानों को शपथ दिलाई गई। अब इन सब लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? खैर साहब, जैसे मैंने पहले भी संबोधन किया, मैं यही संदेश देना चाहूंगा इनको सभी को जो नव चुन के आए हैं, क्योंकि एक तो हमारा जो नया चुना हुआ प्रतिनिधि मंडल है सारा, वो बहुत ही मिक्स बैग है, एक्सपीरियंस भी है, यंग भी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा हम इलाके का पूरी काया पलट बदल सकते हैं। ऐसी कई स्कीम्स हैं जिसका यूटिलाइजेशन हम करके यहाँ के लोगों का विकास कर सकते हैं, और कम्युनिटी वर्क ज्यादा हो रादर देन इंडिविजुअल। कोई भी प्रधान या उप प्रधान, जो भी पंचायत का मेंबर चुन के आया, वो हर किसी विषय से ऊपर उठ के जात पात रंग भेद और इलाके से या वार्ड से ना रखे, पूरे समस्त अपनी पंचायत के अगर विकास के विजन डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें। मैं चाहूंगा कि पहली मीटिंग जब इनकी हो तो उस विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर जैसी सरकारें काम करती हैं, क्योंकि ये भी एक मिनी सरकार है, एक लोकतंत्र की सबसे नीचे का जो हिस्सा है वो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है। वो बेसिकली वो बेस ऑफ द पिरामिड जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कि वो बेसिकली बेस है। अगर वो सजग होगा, अगर वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पॉलिश्ड होगा, तो ऊपर तक भी जो लोग हैं उसी तरीके से जवाबदेह होंगे। तो मेरा यही इनका कहना रहेगा, यही अनुरोध इनसे रहेगा कि प्रशासन और खंड विकास अधिकारी का कार्यालय और बाकी जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं सभी इनके साथ हैं। ये नए चुनकर आए हैं, डरे नहीं, बोल्डली आगे बढ़े। इनके लिए, इनके पास जो विजन है अपने पंचायत के लिए काम करने के लिए, हम सब इनके साथ खड़े हैं और मैं इनको शुभकामनाएं दूंगा। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए कुमार सेन से विनोद खाची।